राज जेमा हेले राज देवी आपणक सामनारे आमे पारळा खेमुंडीर चित्र रखिबु जहाँकि राज जेमा बा राजकुमारी जहाँ को कहा जाए बापांकर देहांत परे सीए राज्यभार तुलेइछन्ति एवं विधिवत भाव में जो राज्याभिषेक जो नीति नियम रही था जो परंपरा रही था से भाव में राज जेमा राज्याभिषेक कर राज जेमारु से पलटिंट राजदेवी तेबे जेहेतु राज जेमा जो भाई भाव में नीति नियम रही था जो चित्र आप देखते कमी पूजा अर्चना कराए गजपति गोपीनाथ नारायण देव स्थान में झील जी रही कल्याणी देवी से स्थान नहीं पारंपरिक रीतनीति राज्याभिषेक सहित गजपति उपाधि जहाँकि कल्याणी देवी को दि जाए पारलाखेमुंडीर महाराज गोपीनाथ गजपति नारायण देव 76 वर्ष बयस देहांत होगा विधि अनुसार राजपुरोहित उपस्थित रही इष्ट देवी पूजार्चना करागला आ परवर्ती समय रे कल्याणी देवी गजपति राज्याभिषेक करागला गजपतिर उपाधि दिगला पूजार्चना पर राजपुरोहित तो पारिषद वर्ग को उपस्थित रे कल्याणी देवी राज सिंहासन आरोहण करदियों वर्तमान समय राजतंत्र नहीं किंतु जो नीति नियम जो परंपरा रही राजा मानकर ताकू आज पर्यंत भी जो राज परिवार रही मानि था जमीक पारला राजा कथा देखूर देहांत पर राजजेमा जी रही कल्याणी देवी से राजदेवी पलटिले सिंहासन आरोहण कले पूजार्चना जो भाई भाव इष्टदेवी पूजार्चना करागला राज्याभिषेक जो नीति नियम रही है राजपुरोहित से सबू कले अधिक आलोचना करवा आम प्रतिनिधि आम सहित रही सीतानाथ पंडा अधिक आलोचना करवा सीतानाथ जो भाई भाव में आम कह वर्तमान समय राजतंत्र ना कि राजपरिवार आज भी सेने राजतंत्र को मानि था एबी जो सिंहासन आरोहण रही राज्याभिषेक रही जो नीति जो परंपरा ताए तो राज जेमारु राज देवी हेले कल्याणी देवी किभली थिला से परिवेश आउ केमिति सबू करा जाय थाय परंपरा हाँ विजयलक्ष्मी कहवा गले महाराजा गोपीनाथ गजपति गत काले देहांत पर झियो राजदेवी कल्याणी गजपति गत काली अभिषेक पर सिंहासन आरोहण होता पारलावासी बहुत खुशी अनुभव करते दुख भी बहुत करते कारण महाराजा देहांत पर प्रथम थर पर पारला गंगवंशीय भाव पारला खेमुंडर राजा सिंहासन ग्रहण कर जड़े महिला पारला इतिहास नुआ अध्याय जोड़ी सबुब पाठ और पुस्तक होता बेले सुचक्षी देखिजे पारलावासी विजयलक्ष्मी भाव पारलावासी गोटे राज्याभिषेक देखिबार मध्य सुजोग पाइले जो कथा आप कहते तेज प्रथम तरफ पाई पारला इतिहास यह नुआ कारण कल्याणी देवी जे कि राजजेमा थे सीए राजदेवी भाव में वर्तमान समय जहाँकि सिंहासन आरोहण कर सूचना आपड़ दे सीतानाथ धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना पाई।